अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल इजी डिज़र्ट जो होते हैं वो। तो 2 किलो यहाँ पे मैंने दूध लिया है, आइसक्रीम पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर है, मिक्स शुगर और राइस के 3 स्पून मैंने लिए हैं, ड्राई फ्रूट, कंडेंस मिल्क और इलायची पाउडर यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं दूध हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है, उसमें मैंने डाल दी है इलायची पाउडर का 1/4 स्पून और बारीक बारीक मैंने ये ड्राई फ्रूट की मैंने कटिंग कर ली है। और जब तक ये दूध अच्छी तरह से बॉयल होगा तो हम इसमें से डाल देंगे चीनी और जो चावल राइस जो हमने पीस के दोनों मिक्स करके, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी मैंने इसके अंदर डाले हुए ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जब तक 2-3 मिनट तक हम इसे पकने के लिए रखेंगे। फिर हम अब डालने वाले हैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क, एक बड़ा सा ये चम्मच जो चम्मच मैं चला रही हूँ डिज़र्ट में, वही आप इसमें फिल करके पूरा डालेंगे और इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो गाइज आप सब भी ये डिज़र्ट ईद स्पेशल के लिए बनाइएगा, बिल्कुल ईजी है, तकरीबन आपकी 10-15 मिनट तक ये बन जाता है। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो था आइसक्रीम वाला, ये वो डालेंगे और साथ ही हम इसमें अंदर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, दोनों ये हम मिक्स कर लेंगे। जब तक ये गाढ़ा होगा फिर हम इसे इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट की जो कटिंग की हुई थी वो भी मैं डाल रही हूँ, ताकि कुछ जो हाफ मैंने इसके अंदर डाल दी, हाफ मैंने रखे हैं डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पर मैंने डेकोरेशन के लिए केक के पीसीस करके रखे हुए हैं, जेली जो थी वो मेंटेन करके रखी है। अब केक ये ठंडा हो चुका है तो इसके अंदर मैं केक फिल कर रही हूँ, केक अंदर डाल के मैं इसे टिक कर दूँगी। मेरे यहाँ पे दो बाल बनाए हैं, 2 kg जो मिल्क था उसमें से 2 बाल डेकोरेशन मैंने कर ली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट की मैं ऊपर सपोर्ट कर रही हूँ और साथ ही साथ इसके अंदर जेली डालूँगी। तो जेली मैंने पहले डाल दी, बीच में बना के रख दी थी। अब जेली से डेकोरेशन करके डिज़र्ट ये बिल्कुल ईजी रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो गाइज़ आप ही ट्राई कीजिएगा मस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।